नमस्ते दर्शकों, आई होप यू कैन सी मी। अभी अभी ऑफिस से वापस आई हूँ और बाहर पूरा बारिश बारिश बारिश, शायद शाम को हुआ था मगर बारिश का पूरा कीचड़ वीचर गिर गया था, इसलिए पूरा पाँव में कीचड़ कीचड़ हो गया था, अब धो लिया। मैंने ये मिलाया ही नहीं था सुबह का, थोड़ा जल्दी में निकल गई थी इसलिए मिलाया नहीं था। मेरा बैग बहुत हैवी है क्योंकि इसमें बैग भी है ना, ओ सॉरी, मेरा बैग बहुत हैवी है क्योंकि इसमें किताब भी है ना, इसलिए अभी निकाल के दिखाती हूँ। किताब भी है, पानी का बोतल भी है इसमें, मैंने रखा था इसमें भी। एक्चुअली मैं पानी भर के आई थी, पानी मेरा ये कितने किलो का पता नहीं, बुक 1 2, टिफिन 3 4, टिफिन अब इतना ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा डाइट में हूँ ना, तो एक मैं अंडा लेके आती हूँ, एक मैं थोड़ा सा हेल्दी स्नैक लेके जाती हूँ, एक मैं वगैरह वगैरह। तो दर्शकों आज माइक टोन है ना, हाँ दर्शकों आज मेरा दिन जो है ना एंड पूरा दिन बहुत अच्छा था। मैं नहीं बोलूँगी कि कोई भी दिन ख़राब होता है मेरा, मैं खुद ही ओवर थिंकिंग कर करके उसको ख़राब बना देती हूँ कि अरे ये मुझे सही तरीके से बात नहीं कर रही, ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने कुछ किया है क्या, या ये मेरे बारे में क्या सोच रही है, ऐसा बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ मैं, सही बता रही हूँ ठीक है। ये ओवर थिंकिंग ना एक दिन हमें खा डालेगी, तो ओवर थिंकिंग ना करें। देखो अब मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ, ज्ञान देने में एक्सपर्ट हूँ मगर खुद जब अप्लाई करने का टाइम आता है तो मैं भी थोड़ा सा पीछे रह जाती हूँ। तो आज का दिन ऐसा था कि आप लोगों को तो पता है कि मैं कस्टमर सर्विस में काम नहीं करती हूँ और ना ही कस्टमर से मेरा कोई इंटरेक्शन होता है, करेक्ट। अरे ये भी पूरा भीग गया पानी से, ला मेरा माइक वगैरह ख़राब तो नहीं हो गया, पूरा पानी पानी हो गया, ओह शिट। तो ना मैं ये बोल रही थी इनको सुखा ही देती हूँ माइक को, हम अपना माइक वगैरह जिससे हम बात करते हैं ना, माइक ये क्या बोलते हैं इसको, माउस वगैरह हम वापस ले आते हैं। तो आज का दिन के एंड में ऐसा हुआ कि हम तो कस्टमर से बात नहीं करते, तो स्टोर पे एक कस्टमर आ रखी थी रखा था और वो कस्टमर आई थिंक बहुत गुस्से में था। तो स्टोर पर्सन को मैं कुछ गाइड कर रही थी उसको कि क्या करना है, आपको यहाँ जाके टिकट रेस करना है वगैरह वगैरह, और स्टोर पर्सन ने पता नहीं उसको कस्टमर से कितना डर लगा, उसने सीधा कस्टमर से बात करा दिया, मतलब सीधा दे दिया और कस्टमर ही बात करने लगा, और कस्टमर मुझे सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, बोल रहा है कि तुम लोगों को पैसे मिलते हैं ऐसा काम करने के, अपना काम करो वगैरह वगैरह। मैं उसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सर मैं कस्टमर सर्विस से नहीं हूँ, मैंने बहुत प्यार से हैंडल किया। देखो पहली बात तो हमें अलाउ ही नहीं है कस्टमर से बात करना, फिर भी मैंने उनको प्यार से इसलिए बात किया क्योंकि जैसे भी हो वो कस्टमर तो है लैंडस्कार्ट के, करेक्ट। और मैं नहीं चाहती कि मैं रूडली बात करके उसको ऐसा कुछ लगे कि पता नहीं खुद को क्या समझती है इस टाइप। मैंने उसको शांति से सुना, इसके बाद मैंने उसको बोला सर देखो आप भी एक कॉरपोरेट उस जॉब में काम कर रहे हो और आपको भी पता होगा कि हर चीज़ के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे मैं स्टोर को गाइड करती हूँ ठीक है, और हमारा तो अलाउ ही नहीं है कस्टमर से बात करने का। तो इतने देर कस्टमर जो मेरे ऊपर चिल्लाया उसका तो टाइम वेस्ट हो गया ना, क्योंकि मैं तो फिर भी हेल्प नहीं कर सकती, मेरा तो काम ही नहीं है कस्टमर से वो करने का। तो मैंने उनको अच्छे से समझाया कि सर मैं उस डिपार्टमेंट से हुई नहीं, आप कस्टमर सर्विस का नंबर ले लो, आप उनसे बात कर लीजिए। तो एंड में उसने मुझे सॉरी वगैरह बोला कि आपका टाइम ख़राब कर दिया वगैरह, मगर मैंने उसको अच्छे से बोला कि आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं खुद भी चश्मा यूज़ करती हूँ, शायद उसका चश्मा आया नहीं था तो वो ज़्यादा ही स्टोर पर परेशान हो रहा था। तो मुझे भी थोड़ा सा बुरा लग रहा था क्योंकि वो मेरे ऊपर बस चिल्लाए जा रहा था और क्या कुछ नहीं। तो कभी कभी इंसान जब बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है ना तो उसको आप लॉजिक से समझाने की बजाय उसकी बात भी सुन लिया करो। अब वो कस्टमर अपनी जगह गलत क्यों नहीं है, क्योंकि वो बहुत गुस्से में है और वो किसी पे भी चिल्लाए जा रहा है, करेक्ट। तो कभी कभी ऐसे इंसान को शांत कराने के लिए आपको चुपचाप पहले सुनना पड़ता है, जब वो शांत हो जाता है तब समझाना है, ओके। फैन थोड़ा सा ऑफ करते हैं और झाड़ू पोछा लगाते हैं। पता है ऑफिस से घर आने की खुशी तो होती है कि हाँ शांति से सोऊंगी, मगर शांति से सोने से पहले जो झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना जो पड़ता है, इट बी टुजिन पटूता बोल के सारा काम हो जाना है, मगर ऐसे तो होगा नहीं।
इसको यहाँ रख देते हैं। तक तुम तक अरे मेरी फिर आगे क्या मर्जी मेरी हर दुश्वा रे बस तुम। ये देखो यू मी सुसी टिमसुम रेमन रुबाटा, ये जो है ये जो डब्बा है ये ऑफिस पार्टी में ऑफिस के तरफ से हमें बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिला था एक दिन के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा जो बचा हुआ था वो मैंने उनको बोला था पैक कराने के लिए। तो देखो एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट का डिब्बा भी बहुत अच्छा मिला है मुझे। अब इस डिब्बे में मैं अपना हाँ लोगों ने मुझे बहुत बोला है कि प्लास्टिक में मत खाया करो, तो इसलिए मैं प्लास्टिक में अब ऐसे पका पकाया हुआ वो नहीं डालती, गर्म चीज़ें नहीं डालती, ठंडा चीज़ें डालती हूँ। अब हम करते हैं अपने झाड़ू। आई होप यू कैन सी मी। नया स्टैंड आ गया है तो नया स्टैंड का फुल फ़ायदा उठा रही हूँ मैं, अलग अलग एंगल से वीडियो लेने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि है ना एक ही एंगल पे खड़े होकर वीडियो करते रहोगे तो बहुत बोरिंग लगता है। मैं तामुल पान यहाँ पे रख देती हूँ। कभी कभी तो लगता है कि फिर कभी कभी तो लगता है कि ऑफिस से आके ऐसे ही सो जाओ, मगर फिर क्या करें ना, धूल मिट्टी जम जाता है रूम पे, फिर उससे मुझे एलर्जी होने लगता है। देखा जो तुझे यहाँ मैं बस खिड़की खोल देते हैं क्योंकि बाहर हो रही है हल्की हल्की बारिश। अब इस हल्की हल्की बारिश की वजह से मुझे लगने लगी है शाम को ठंड, तो मेरा कूलर तो चलता ही नहीं है और फैन भी बंद हो जाता है, तो उससे मेरे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी बच जाता है। बहुत फायदा है रे बाबा बारिश गिरने का दिल्ली में, मगर पता नहीं दिल्ली को क्या हो रहा है आजकल, क्योंकि मैं भी तो पिछले 9 साल से दिल्ली में ही रह रही हूँ, मगर इतना नहीं होता था फ्लड दिल्ली में। हाँ कुछ कुछ गलियों में होता था, अभी तो मतलब हर जगह पानी भर रहा है। समथिंग इज रॉन्ग। आप इस जगह को पोछा लगाते हैं, इस जगह को क्या पूरी जगह को ही पोछा लगाऊँ, क्योंकि आप ही अभी मैं बैठ के सब्जी काटूंगी ना, इसलिए मैं जल्दी हिलने की कोशिश करती, क्योंकि ये सब करते करते फिर वीडियो इतना लंबा चला जाता है, एकदम एक मूवी जितना आधे घंटे का हो जाता है, और आप लोग तो सिर्फ 5-10 मिनट ही देखते होंगे ना, इसलिए कोशिश तो करती हूँ कम वीडियो रिकॉर्ड करने का, मतलब कम इसका वीडियो का लेंथ थोड़ा कम रखने का। ठीक है जल्दी जल्दी करती हूँ। ये हो गया है साफ एकदम। आई चक 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 हाय चक 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 है तू, हाय चक 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 सारा मोहल्ला करता बात, कोई जमाने में फरिया कौन वह था किसकी। आई एम रियली सॉरी, आप लोगों को मेरा गाना सुन के बोर भी होता होगा, मगर क्या करें अकेली रहती हूँ तो यही मेरा टाइम पास है जी। आप लोगों को क्या पता मेरा काम कैसे डबल हो जाता है, वो इसलिए, अरे यू कैन सम कैन नॉट सी मी ना, वो इसलिए है काहे कि मैं कैमरे को इधर उधर हर जगह अलग अलग एंगल में रखती रहती हूँ, तो नॉर्मल सा काम भी डबल हो जाता है। हो गया फिनिश, घर हो गया पूरा साफ। आपको ऐसा लगता होगा कि हैं हर दिन ऐसा करती हो क्या? हाँ हर दिन, कभी कभी पूरे हफ्ते में महीने में कभी कभी ऐसा हो सकता है जब मैं झाड़ू पोछा रोज नहीं लगाती, यहाँ पे लगाना पड़ता है क्योंकि ये जो भरा खिड़की है ना इसमें मैं इतने पौधे क्यों लगाया, सिर्फ इसीलिए ताकि धूल मिट्टी पौधे के थ्रू होकर थोड़ा सा फ्रेश हवा आए। अब दिल्ली का हाल तो आप जानते ही, जितने भी अच्छा अच्छा प्लांट लगाओ हवा तो वैसा ही रहेगा। खैर फिर भी वीडियो पे सुंदर दिखने के लिए थोड़ा सा बाल खोला था, मगर अब जैसे कि सब्जी बनाने वाले हैं तो मैं आप लोगों को ये एडवाइस देना चाहूँगी कि अरे यार मैं बहुत ज़्यादा एडवाइस देती हूँ,
मगर ये मैं एडवाइस आप लोगों को अपने प्यारे बहन, ज्यादातर तो बहनें ही मेरी वीडियो देखती है, हाँ बहनें ही देखते हैं। लड़कों के कमेंट्स मैंने कम ही देखे हैं, मगर जब लड़कों के आते हैं तो अच्छे कमेंट्स आते हैं, बुरे नहीं आते, ठीक है। और लड़कियों के कमेंट्स सबसे ज्यादा आते हैं मेरे वीडियो पे, तो मैं अपने गर्ल्स को ये एडवाइस दूंगी कि आप जब भी, वैसे तो आप लोग करते ही होंगे, फिर भी ऐसा मत समझना कि ज्यादा ही मतलब बन रही है। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि आपको, क्योंकि मैं थोड़ी बड़ी हूँ ना आप लोगों से, तो बता रही हूँ कि आप लोगों को ना सब्जी और चावल जो भी आप जब काम करते हैं तो आपका बाल जो है बंधा हुआ होना चाहिए। आई नो कि जरूरी नहीं है कि आपके बाल गिरे, फिर भी कभी कभी चावल वगैरह में, सब्जी वगैरह में बाल गिर ही जाता है ना चाहते हुए, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना। और आप लोग अभी ये भी सोच रहे होंगे कि ये चीज़ तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, मगर कुछ कुछ बहनें नहीं करते हैं ऐसे, बाल खोल के रख के सब्जी वगैरह काटते हैं, तो ऐसा ना काटे मेरे बहनों। एक भिंडी खराब हो गया, इस भिंडी को ना मैं फ्राई नहीं करूंगी, आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू फ्राई इट। मैं ये सारे उबालने वाली हूँ, आप लोगों को तो पता है मैं डाइटिंग पे हूँ, इसलिए नहीं उबाल रही क्योंकि मैं डाइटिंग पे, क्योंकि मुझे ऐसे बॉयल ही खाने की आदत है। नमस्ते क्रो, सब ठीक यू? अब मेरे साथ एक दिन रहोगे ना तो पागल हो जाओगे, मतलब बुरा वाला पागल नहीं, अच्छा वाला पागल। इतने गाने गाती हूँ, इतने मजाकिया हूँ ना मैं। नो 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 नो, एक भी नहीं छोड़ूंगी। या मेरा पेंट थोड़ा सा फटा हुआ है। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, मेरे बचपन का बहुत फेवरेट मूवी हुआ करता था ये। अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखा है तो आप लोग तो और भी ज्यादा छोटे होंगे। मैंने ये कब देखा था मुझे याद नहीं, मैंने कब देखा था, मगर हाँ मैं छोटी थी जब मैंने ये देखा था। इस मूवी का नाम है तुम बिन। लेकिन हाय, लेकिन किसी ना किसी को हाय, छोटी छोटी रातें, मैं गाना ही भूल गई। मगर ना मुझे इसका हीरो बहुत अच्छा लगता था, वो लंबू सा जो हीरा है उसका नाम मुझे याद नहीं, मगर हीरो और हीरोइन इसके बहुत अच्छे थे। पता नहीं आजकल उन लोगों के मूवीज ही नहीं आते, पुराने जमाने के हीरो हीरोइन के तो मूवीज ही नहीं आते आजकल। जैसे शाहरुख खान लोग तो पुराने हैं, मगर शाहरुख खान लोग का तो अभी भी आता है, मगर बहुत सारे हीरो हीरोइन तो मूवीज ही नहीं आते। जैसे माधुरी दीक्षित लोग का तो अब मूवीज ही नहीं आते, मगर मैं माधुरी दीक्षित के जमाने की नहीं हूँ। मैं बोलूँगी, मैं जब कॉलेज में थी ना तो मेरे कॉलेज के समय वो बहुत ज़्यादा चलता था, रणबीर कपूर। रणबीर कपूर तो फिलहाल अभी क्या है उसका वो हो गया ना, बेटी पैदा हुआ है शायद, हाँ तो बेटी पैदा हुआ है उसका। जब वो नया नया लॉन्च हुआ था हीरो, तब तो मुझे वो बहुत पसंद था, अब इतना खास नहीं लगता। मगर हाँ मैं रणबीर कपूर के जमाने की हूँ। इसको दीवाने, पता है वीडियो में क्यों ही मुझे अच्छा लगता है बातें करना? देखो आप लोगों से बातें करते करते मैंने सारे भिंडी काट डाले और मुझे पता भी नहीं चला, तो के दब भिंडी सिर्फ दो बचा, अभी इसको काटते हैं, सब्जी पकाते हुए दिखाऊंगी वरना वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा। हाय गाइस, आई होप यू कैन सी मी। अरे ये तो ज्यादा ही उधर हो गया। आई होप यू कैन सी मी नाउ। ठीक है, अब हम, पहले मैंने सोचा था कि इसको मैं दाल के साथ बॉईल कर दूं, मगर अब मेरा दिमाग थोड़ा बदल गया है, तो हम इसको दाल के साथ बॉईल नहीं करके अब मैं इसको करने वाली हूँ फ्राई। फ्राई करेंगे अब इसको। यार मुझे ऐसे देख के, मेरे गैस को ऐसे देख के मुझे बिचारी मत समझो ना, मुझे बिचारी बिल्कुल भी मत समझना। आई एम नॉट एन बिचारी, आई मीन भगवान ने इतना तो कुछ दिया है मुझे, हाथ पाँव दिए है कमाने के लिए, ऑफिस से कम खाना बना पा रही हूँ, दूसरों को तो उतना भी नहीं दिया, तो मैं बिचारी तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ मगर मैं
मेहनती अगर आप मुझे कभी पब्लिक में ले जाओगे ना और बातें करना शुरू करोगे तो आप बोलोगे वो एक चुपचाप चुपचाप और मत बोलना और मत बोलना, ऐसे करोगे आप। देखो या तो मैं इंट्रोवर्ट भी नहीं हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट भी नहीं हूँ, मैं एम्बिवर्ट हूँ। या तो मैं बोलूँगी ही नहीं और या तो जब बोलना शुरू कर दिया तब नो ब्रेक। अब इस पर लगाते हैं अपना ऑयल, थोड़ा सा ऑयल, अब तो इसको धोना पड़ेगा, थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं। उई स्लिप होके गिरने वाला था, कितने महीने का ऑयल तो यही पे वेस्ट हो जाता। तो भी नया साबुन भरूंगी अपने इस पे। ये तो मेरा पुराना एक पतंजलि का था जिसको मैंने छील के, उस पतंजलि के छिलके को छील के ऐसा रख दिया। अब पता नहीं चला ना कि ये पतंजलि का है। ऐसे करके एक फोटो ले लेती हूँ मैं। अब टाइम आ गया है सर करने का, इसको डालते हैं इस पे। मैं एक टाइम जो अकेली रहती है ऑयल में सब्जी डालने में इतना डर जाती है। जो जो लोग मेरी तरह ऑयल से ऐसे डरते हैं प्लीज कमेंट बिलो, बिकॉज आई नो इट्स नॉट ओनली मी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ऐसा ऑयल से सिर्फ मुझे डर लगता है। मुझे पता है बहुत सारी लड़कियां होगी जो उबले हुए ऑयल से डर लगता है जिसको। ओहो ये जी बन गया हमारा चिपचिपा भिंडी। अब इसमें हम लगाएंगे थोड़ी सी हल्दी नमक। इसका जल्दी से खाना खाते हैं क्योंकि मुझे अभी पता है वीडियो 20 मिनट तक हो ही गया होगा। अब हम खाने जा रहे हैं खाना, तो मुंह धो लेते हैं। बेहनिया वैसे तो मुंह धोते वक्त और ब्रश करते वक्त लोग बोलते हैं कि ज्यादा टाइम वॉश करना चाहिए, थोड़ा टाइम दे के ब्रश करना चाहिए, मगर मुझ मेरे अंदर इतना पैशन है, पैशन क्या बोलते हैं, पेशेंस नहीं है। दोबारा धो लेते हैं डबल डबल, क्योंकि मैं ना मैं सुबह वो करती हूँ चेहरे पे, एक तो एक मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, फिर मॉइस्चराइजर के ऊपर मैं वो लगाती हूँ बीबी क्रीम। इट्स नॉट बीबी क्रीम, इट्स ब्लैक मी का सीसी क्रीम। अगर करे दिल तेरा, अगर करे दिल तेरा ओ रंग दे दुपट्टा मेरा। अरे दुपट्टा मेरा बोलते थे कि दुपट्टा तेरा बोलते थे। दर्शकों आप खाएंगे खाना, खाना आप लोगों को पास से दिखा देती हूँ। ये रहा, ओह बच गया, हाय 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 बच गया। ये रहा मेरे जी खाना, चावल, एक अंडा, करी लीव्स, हरी मिर्च, भिंडी, अचार। ओके आई होप यू कैन सी मी। अच्छा एक बहन मुझे बोली थी कि आप कभी कभी प्रार्थना नहीं करते हो। मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ मगर कभी कभी वीडियो में शूट नहीं करती जब मैं प्रे करती हूँ। ठीक है फर्स्ट बाइट। चावल अच्छे से नहीं पका,
चावल अच्छे से नहीं पका रहे। कोई बात नहीं, खा लेते हैं। अच्छा कच्चा लग रहा है। दो यहाँ से दो सीटी लगाया था मैंने, लगता है जल्दी जल्दी भूख के मारे खाने के चक्कर में गैस जल्दी खोल दिया मैंने, इसलिए ऐसा हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं खाना खा लेती हूँ, ठीक है। खाना खा लिया। खाना खाने के बाद अगर आप लोग फैमिली के साथ हो तो बेटर है कि आपने आंगन में टहल लिया करो। अब मैं तो बाहर टहलने का मन भी करूँ तो टहल नहीं सकती, क्योंकि एक तो अकेली हूँ, दूसरा दिल्ली में आप अभी बज गया रात के 11:30, 11-12 बजे अकेले टहलने के तो सोचना है अभी मत, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा मूवी देखूंगी, इसके बाद सो जाऊंगी। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मुझे ना पढ़ने का टाइम बहुत कम मिल रहा है, मगर ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ती, मैं डेली पढ़ती हूँ, कुछ भी हो जाए मैं डेली पढ़ती हूँ। ओके, ऑफिस में 11 बजे से, हाँ 11 बजे से मेरा शिफ्ट स्टार्ट होता है, तो 10 बजे समथिंग में पहुँच के जल्दी लॉग इन कर लेती हूँ, और 10 बजे से लेकर 12 बजे तक तो कॉल्स आते ही नहीं है स्टोर पर्सन के, शायद उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। इसके बाद थोड़ा आता है, तो वो 1-2 घंटे में पूरा पढ़ाई में लगा देती हूँ, पढ़ने के साथ साथ जो भी एक्सरसाइज होता है ना पीछे सोल्व पेपर, वो भी मैं सोल्व करती हूँ। तो रोज़ का 2-3 घंटे तो मैं पढ़ती ही हूँ, क्योंकि अगर आप पढ़ने का आदत नहीं लगाओगे ना तो कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। तो अब जॉब कर रही है तो पढ़ाई तो मेंटेन करना ही पड़ेगा कैसे भी कैसे, और पूरा दिन काम करने के बाद अभी वापस आके ये सब करने के बाद मेरा बिल्कुल भी नहीं करता कि अभी मैं किताब देखूँ। अब मेरा बस नींद आ रहा है, या थोड़ा सा रिलैक्स होकर रील्स स्क्रॉल करूँगी, इससे ज़्यादा मैं और कुछ भी नहीं कर सकती। अगर वीडियो को एंड तक देखा हो तो धन्यवाद, लाइक कर देना, और शेयर तो किसको ही करोगे, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। बाय बाय।